अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई औरत शादी करे तो उसे सुहागरात की रात को पता चले कि उसका शोहर नामर्द है तो इस सूरत में औरत को क्या करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं जो ये समझते हैं कि घर को बसाना औरत के ही हाथ में होता है और गुजारना भी औरत के हाथ में होता है। किसी एक एंगल से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। औरत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो शोहर को संभाल ले, उसके घर को संभाल ले, उसके बच्चों को संभाल ले, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसके पैसे की हिफाजत करे। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों में शोहर की भी एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि बीवी के साथ अज़्दवाजी ताल्लुक को कायम करे। क्योंकि बालिग शख्स या बालिग औरत को रोटी और पानी यानी खाने और पीने के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो जिनसी सुकून की होती है। तो ये शोहर का फ़र्ज़ ऐन है कि वो अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करके औलाद पैदा करे। औलाद देना या ना देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम अज़ कम जिनसी ताल्लुक़ पैदा करने के काबिल हो शोहर। अगर किसी औरत का शोहर नामर्द हो तो उसे इस सूरत में ये करना चाहिए कि फिल फौर खुला लेना चाहिए और दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। क्योंकि शादी ही इंसान तब करे या करता है कि जब वो जिनसी ताल्लुक़ पैदा करने के हवाले से बिल्कुल ठीक होता है। अगर कोई शख्स जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता तो बराए मेहरबानी वो शादी ना करे ताकि किसी आने वाली औरत की जिंदगी